भी चीज लो, मतलब हर चीज पे टैक्स है वहाँ पे, महंगी है बाकी बाहर रेस्टोरेंट में खाके बहुत महंगा है। सैलरी में से तू बचा ही क्या रहा, तेरी सर्विस चार्ज टिप वगैरह नहीं है कुछ भी? जाने के टाइम पे तो बराबर गाड़ी आएगी, लेकिन बोलूँ ना। सब एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल ऑल आई लेडीज एंड जेंटलमैन, होप यू आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल गाइस। सो बहुत दिनों के बाद यू नो वीडियो शूट कर रहा हूँ और कुछ कुछ वीडियोस को मैं रीअपलोड करता रहता हूँ बिकॉज बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे मैसेजेस करते हैं कि भाई इस टॉपिक के ऊपर वीडियोस, टॉपिक के ऊपर वीडियोस। तो मैं आप सब लोगों को बता देना चाहता हूँ कि गाइस मैंने बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बना रखी है, रेगुलर वीडियोस को देखा करो, पुरानी वीडियोस को देखो, ठीक है। तो इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं दुबई वर्सेस कुवैत। एक मैंने ऐसे वीडियो बनाई है दुबई वर्सेस कुवैत, अगर आपको जानना है दुबई जाना चाहिए कुवैत तो आप मेरे यूट्यूब पे सर्च करोगे ना दुबई वर्सेस कुवैत, यानी दुबई VS कुवैत डालोगे या यूट्यूब पे सर्च करोगे दुबई या कुवैत में कहाँ जाना चाहिए तो मेरी वीडियो आ जाएगी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको कुवैत जाना चाहिए या सऊदी अरेबिया जाना चाहिए, तो इसके ऊपर फुल डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ। मोस्टली आपके जो हैं क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट्स करके पूछ लेना, तो बहुत लंबी वीडियो हो सकती है, आई डोंट नो कितनी लंबी वीडियो होगी, लेकिन आप देखोगे तो आपके सारे थॉट्स क्लियर हो जाएंगे आई होप। तो मेरा एक फ्रेंड है जो कि मेरे साथ कुवैत में रहता था, शायद आप में से काफ़ी लोग जानते हो भी, जिसका नाम ब्रेन है, मेरी काफ़ी वीडियोस में आया, जो लोग पहले देखते हुए आ रहे हो तो उनको पता है, तो वो सऊदी में पिछले एक साल से, तो उसका एक्सपीरियंस पूछूंगा कि कितने एक्सपेंसिव हैं, क्या क्या चीज़ें, सब कुछ, ताकि आपका एक माइंड क्लियर हो जाए कि आपको कुवैत जाना चाहिए सऊदी जाना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और इस वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हैं 200, बस ज़्यादा नहीं 200, एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो तेरे को कुवैत सस्ता लगा या सऊदी सस्ता लगा? अबे कुवैत तो किंग है, किंग जीने के लिए किंग है। अच्छा जी, तो तेरा हमारा सऊदी में, सऊदी में तेरे को 60,000 सैलरी मिलेगी, तो भी गलती समझ जाइयो भाई, 60,000 सैलरी में भी। तो कंपनी कंपनी तो तेरे को रहना तो दे रही है ना? अबे अब तेरे को क्या बताऊं, रहना दे रही है, एक रूम में 4-5 बंदे हैं और ऊपर से एसी नहीं है, और जो एसी भी नहीं है, क्या बात कर रहा है? अरे सिम सिम खराब है, ठीक नहीं की उन्होंने, अच्छा जितने दरवाजे उन्होंने लॉक नहीं, तो तेरी कंपनी में ही ऐसा हाल है या और भी कंपनियों का यह सीन है भाई? और को तो पता नहीं, अगर जाना तो आरामको कंपनी में जाने का, जो वर्ल्ड की नंबर वन कंपनी है। कौन सी? आर आरामको, आरामको आरामको नहीं, आरामको आरामको आरामको, भाई नाम तो ऐसी लग रहा है आरामको है, तो भाई आराम ही होगा उसमें। अबे पूरे वर्ल्ड की नंबर वन कंपनी हो, क्या बात कर रहा, सर्च कर। अच्छा जी यार, मेरे को नहीं मालूम, सऊदी में है वो? ऑयल कंपनी है। ऑयल कंपनी, अच्छा। तो तेरा हम जब, तो यार हम लोग कुवैत में तो हम लोगों का मुश्किल से 25-30 KD में खर्चा निकल जाता था, तेरा बता रहा हूँ, मेरा तो थोड़ा महंगा था, है ना? अबे बोलते ना बाहर खाते थे हम तो पैसा नहीं बचता भाई, मैं तो बना के भी खा रहा तब भी पैसा नहीं बचता। अच्छा जी, तू बना के खा रहा है। अरे तू मेरे को ये बता, तेरा कुवैत में महीने का कितना खर्चा होता था और सऊदी में कितना खर्चा होता है इंडियन करेंसी के साथ? सऊदी का तो मैं तेरे को ऐसे बताऊँ तो 15,000 मान के चल, 15,000 तो घर का अलग से देना पड़ता है, इंटरनेट का अलग से। अब 15,000 में तू इसमें मतलब हफ्ते में एक दिन चिकन खाता होगा तू, है? हाँ यार। या महीने में एक दिन खाता है? एक बारी दाल बना देता हूँ, 3 दिन खाता हूँ और एक टाइम का खाना खाता हूँ। क्या बात कर रहा है भाई, ये एक टाइम का खाना खाता है सिर्फ तू पूरे दिन में? हाँ, नाइट में ड्यूटी से आके, बाकी जब जाता हूँ ड्यूटी तो एक चाय और एक समोसा खा लेता हूँ बस। बस, और ड्यूटी मील इंक्लूड नहीं तेरी? कुछ नहीं है भाई, वहाँ तो ऐसा है कुछ खाएगा पिएगा तो चार्ज। बता यार, बुरा हाल है फिर तो तेरा यार। एक मिनट में तेरे को कॉल करता हूँ, एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रही है, अभी कर रहा हूँ। और बता, और बता तू भाई कैसी रही, कैसे चल रहा है, तू बड़ा परेशान है, जब से तू सऊदी गया है ना मुझे लग रहा है, जब से मैंने तेरे को सऊदी, जब से तू गया मेरी 2 या 3 बार तेरी बात हुई है, तेरी और मेरी, तू बट बड़ा परेशान है सऊदी में जाके। अरे मैं क्या परेशान हूँ, मेरे साथ गया था एलडूबी। भाई तू गाली क्यों दे रहा है, गाली मत देना, आराम से बिना गाली दे के भी बात कर सकता है। एलडूबी जॉब छोड़ के भाग गया उधर से पैसा भर के। अच्छा जी, वहाँ पे ये तुम्हारी कंपनी में ही हाल है, औरों की भी, तूने औरों की कंपनी में भी जो पता करा है वो सब हाल है तेरे को? मतलब अपनी कंपनी से अगर फुर्सत मिले तो दूसरे की कंपनी को जाने ना भाई। ये बात भी तेरी ठीक है, तो मतलब तेरा मेन ये है कि कंपनी, वो जो कंट्री है सऊदी, कुवैत से ज्यादा महंगी है, राइट? अरे महंगी क्या, गंदा सिस्टम है, पासपोर्ट लिया हमने निकल जाते थे। हाँ यहाँ तो भाई, एक तो तेरे को पासपोर्ट चाहिए, ऊपर से तेरा एक ही काम बनेगा, उसकी वैलिडिटी लॉन्ग टाइम तक चाहिए, वो हर 3 महीने बाद रिन्यू होती है। हर 3 महीने में रिन्यू होती है? वहाँ तो 1 साल का था हमारा, एक एक साल के बाद।
और वहाँ पे हर चीज, एक बात बताओ, वहाँ पे हर चीज के ऊपर टैक्स 18%। 18% कितना बताया था तूने? 15%, बाकी 3% वैट है कुछ ऐसा। मतलब हर चीज पे, कुछ भी चीज ले लो। मैं नहीं ले पा रहा, मैं क्यों ले लूं? तू नहीं ले पा रहा, मैं बता रहा हूँ, मतलब हर चीज पे कुछ भी चीज लो, मतलब हर चीज पे टैक्स है वहाँ पे। हाँ भाई, जैसे कि कुवैत में कितने, अच्छा कुवैत में दूध हमको मिल जाता था कुछ 800 फेल्स का, 1 KD का है ना, 1 KD बोले तो कुछ 200-250 रुपए के आसपास 1 लीटर, और वहाँ पे कितने का है? 1 लीटर पड़ेगा तेरे को यहाँ पे कम से कम 8 रियाल का। 8 रियाल बोले था, मतलब कुछ वही 160 के ऊपर। हाँ मतलब उतने का ही रेट है जो कुवैत में रेट है, नियर बाई, डिपेंड कंपनी टू कंपनी, डिपेंड करता है कौन सा ब्रांड ले रहा है। हाँ तो वही कह रहा हूँ, डिपेंड कंपनी टू कंपनी। तो और क्या क्या चीज़ तेरे को महंगी लगी जो कुवैत में सस्ती थी, सऊदी में महंगी लगी तेरे को, ऐसी क्या चीज़ थी? खाना पीना, गोल्ड, गोल्ड सस्ता, गोल्ड महंगा है वहाँ पे सऊदी में? एक तो मेकिंग चार्ज इतना महंगा, ऊपर से टैक्स इतना महंगा। अरे मैंने 32 ग्राम की वो देखी थी एक चेन, तो उसका प्राइस बताया मेरे को 9000। 9000 रियाल? अच्छा 9000 रियाल। अच्छा मेरी 2000। अच्छा तो देख ले भाई साहब, बहुत महंगा है यार सच में भाई, इतना महंगा क्यों है? मतलब मेरे हिसाब से तो वही है, एक बंदे की जो सैलरी 1 लाख रुपए हो ना, तभी बंदा सऊदी जाए, राइट? 1 लाख तो नीचे। और मैं क्या बोलता हूँ, सऊदी में, कुवैत में पेट्रोल क्या रेट था टाइम पे? यार कुछ फील्स में था रेट, इतना मुझे मालूम है। यहाँ इस टाइम है वहाँ इंडिया के हिसाब से 55 के आसपास, 55 रुपए लीटर। अच्छा मतलब इतनी महंगाई क्यों हो गई सऊदी में, मतलब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा यार। अरे इन्होंने क्या किया, पहले टैक्स वगैरह कुछ नहीं था उस कंट्री में। अच्छा लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद इन्होंने एकदम से 15% बढ़ा दिया, अब सुनने में आ रहा है कि 5% और बढ़ा रहे। अच्छा जी, फिर तो भैया तुम तो वहाँ कुछ कर ही नहीं पाओगे। तू यार मतलब एक बात बता, कुवैत में तेरा महीने का खर्चा कितना होता था? तू तो जब भी ज़्यादा कुछ पैसे खर्च नहीं करता था, नॉर्मली रूम पे बनाना, एक टाइम का खाना खाना। कुवैत में भी तेरे ऐसी तू गरीबी की जिंदगी जी दी है तूने, मैंने तेरे को पाला है। अबे कुवैत में तो ऐसा सिगरेट का खर्चा और बाहर का खाना, हाँ इसी पे तो पैसा था, और मैं तेरे को पालता था, वो बात वो तो बोल। मैं क्या जर्मन शेफर्ड हूँ? बट ये बात तो सच है कि मैंने तेरे को पाला भाई, तेरे को मैंने संभाल कर, दारी में तू ही काम आता था यार, एक बार रनिंग करने गए मैं आगे वापस। यार हमारी आज पाल भाग रहा तेरे पीछे कुत्तों की तरह भाई, वो कुवैत की जिंदगी यार, मतलब वो लम्हे कुछ और ही थे भाई, सच बता रहा हूँ। ऐसी जिंदगी ना कर, तेरे को एक चीज बताओ, मैं पूरे गल्फ में ना, अगर तू कहीं जाना चाहता है ना भाई, हाँ कुवैत, मैं खुद कहता हूँ भाई कुवैत बहुत सस्ती, क्योंकि दुबई में मेरे जीजू है ना खुद, तेरे को बता तो रखी है, और काफ़ी सारे हम में से भी काफ़ी लोग हैं जो एक साथ काम करते थे कुवैत में, दुबई गए। कह रहे भाई दुबई भी बहुत महंगी है, तू कह रहा सऊदी सा, और वो बिजॉय कतार गया था, कतार भी बहुत महंगी है भाई, कह रहा भाई कुवैत से ज़्यादा महंगी तो कतार है, तो मतलब कुवैत बहुत ज़्यादा सस्ती है। तेरा महीना खाना पीना बहुत महंगा भाई, बाहर रेस्टोरेंट में खाकर बहुत महंगा है। मतलब नॉर्मली तू अगर दाल रोटी लेगा तो कितने तक पड़ जाएगा तेरे को? कुवैत में तो हमको भाई 1 KD 250, 1 KD में हम आराम से खा लेते थे पेट भर के, आराम से नहीं है, 1 KD 250 हो गया ऐसा करके, मतलब देखा जाए 300-350 रुपये में एक टाइम का खाना हम खा सकते थे कुवैत में, है ना? किसी भी 1 KD का ना, 1 KD का। हाँ तो वहाँ पे अगर तू, अरे ज़्यादा चिकन की बात कर रहा है ना, तो तेरे को बता, अगर तू चिकन हांडी लेता है ना, 18 रियाल की आएगी। 18 रियाल? 18 × 36 बेकार, और अफगानी टाइप की रोटी आएगी बड़ी वाली, रोटी फ्री है मतलब, वो भी चार में तेरे को खाना पेट भर सकता है, लेकिन टेस्ट नहीं मिलेगा तेरे को। अच्छा जी, तो अभी एक रेस्टोरेंट खोल लेते हैं हम, टेस्ट दे देंगे उनको। वही है भाई, इतना बुरा है, बुरा हाल है मतलब वहाँ पे। तो तेरी तो सैलरी में से तू बचा ही क्या रहा, तेरी 40,000 रुपये सैलरी कंपनी तेरे को रहने के लिए दे रही है, खाना तो खुद पे बना रहा है ना, और वो भी तू एक दाल तो 3-3 दिन खाता है। अब शॉपिंग सुनेगा ना तू मेरी, हाँ? सैलरी को मैंने क्या शॉपिंग किया है, हाँ? तो स्टार्टिंग के 8 महीने तो भूल जा के मैंने क्या बोलते हैं उसको, एक सॉक्स भी ली होगी। क्या बात कर रहा है, हाँ तेरा थोड़ा कट गया। 8 महीने, और शर्ट भी एक नॉर्मल टी शर्ट 50 रियाल। 50 रियाल मतलब 5 × 10 बोले तो कुछ 1000 रुपये की?
हाँ। ओ भाई साहब बहुत महंगा है यार। तो वहाँ पे ऐसी सस्ती सस्ती दुकानें नहीं थी कुवैत में, जैसे कुवैत में हर जगह छोटी छोटी दुकानें खुली रहती थी, मतलब बहुत मार्केट है छोटी छोटी सी। अरे मेरे भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, कुवैत को छोड़ा तो सऊदी का देख, सऊदी ने एकदम से कितना रेट बढ़ा दिया। तो भाई तू तो मैं कह रहा हूँ अपने 8 महीने पूरे कर और घर आ और कहीं और किसी कंट्री कुवैत का ही ट्राई कर ले, मैं तो कह रहा हूँ वही कर ले फिर तो। मैं कह रहा हूँ वही, पर भी ना लो सऊदी से आया हूँ मैं तो रेंट रखे दो। अरे तो कोई नहीं 8 महीने और काम, यही भी बड़ी दिक्कत है ना छुट्टी, तुम आओ घर पे दो गारंटर रखने पड़ेंगे, अगर दो गारंटर नहीं रखता है कितने रियाल तेरे को पे करने पड़ते कंपनी को? 5,000। 5,000 रियाल बोले तो मतलब 5 × 10 ऑलमोस्ट कितना हो गया, 1.5 लाख रुपये, 40, 80 और 20 लाख रुपये। लाख रुपये तेरे को कंपनी को देना पड़ेगा अगर तू कंपनी छोड़ के आता है तो, 2 साल से पहले है। उनको कुछ नहीं बोलते, हम गाली में बात करते। तो तू बोलता गाली क्यों दे रहे हो फिर? नहीं नहीं बोल सकते, तेरे को नहीं पता यहाँ कैसे गंदे लोग हैं, पर ये सोच रहे कि इस टाइप के लोग मैंने जिंदगी में देखे नहीं भाई। कुवैत में मतलब सऊदी में जाके इतना बुरा हाल कर रहे हैं तुम्हारे साथ भाई, और बिल्कुल हमारे साथ तो ऐसे रहते थे भाई भाई करके, जैसा इनको तो मेरे साथ कैसे रहते थे, मैं वही तो कह रहा हूँ तेरे साथ तो मतलब मेरे से भी ज़्यादा, लेकिन मैं तो अलग टाइप का था, मेरे को कोई एक गाली देता मतलब 10 गाली देता था, तेरे को पता मैं रैपटे वैपटे से बात बुरा उससे बात करता नहीं, मेरे अंदर एटीट्यूड इस चीज़ में बहुत ज़्यादा था शुरू से, इसीलिए तो बॉडी बनाई थी मैंने, यही तो मैं नहीं जाता भाई, रुला देते हैं, देखते कौन अपना है कौन पराया, सी थी बात। ये तो है ही भाई, बाहर तो यही होता है। कह रहा हूं, बात मैं तो ये कह रहा हूँ कि चल कोई और होता तो मैं समझ आता, इन लोगों ने तो हमारे साथ काम किया और हमारे साथ इतने अच्छे थे, मेरे से ज्यादा तेरे साथ अच्छे थे भाई, तेरे को तो ऐसा वो रखते थे बिल्कुल गोद में खिलाते थे तुझे बच्चे की तरह, बच्चे को मार रहे अब तेरे ताके भाई, मतलब कुवैत सब मैं तो कह रहा हूँ कुवैत जन्नत है भाई, है ना? अरे मेरी लाइफ मैंने गांव यहाँ इंडिया में भी गांव में भी जहाँ भी नौकरी की ना भाई, सबसे गंदी जॉब मेरे को मिले सऊदी। बता यार ये तो तेरे साथ कुछ ज़्यादा ही वो हो रहा है, तेरी कंपनी बेकार है, और खासकर मैं तो उन लोगों की कह रहा हूँ यार, ये लोग तो हमारे साथ इतना अच्छे थे यार, कह तो रहा हूँ। अरे इनके प्रोसेस को आया, इनके प्रोसेस सर ना आया नहीं इतनी, तो तुम्हारा सर्विस चार्ज टिप वगैरह नहीं है कुछ भी? कुछ नहीं है भाई, सर्विस चार्ज है ना टिप पे, इंक्लूड था तुम्हारे ऑफर लेटर में? कुछ भी इंक्लूड नहीं था भाई, सिर्फ सैलरी सैलरी और कंपनी का अकोमोडेशन है, ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट भी है तुम्हारा इंक्लूड, और ट्रांसपोर्ट ऐसा है जाने के टाइम पे तो बराबर गाड़ी आएगी लेकिन आने के टाइम पे ठंड में बंदा बाहर खड़ा रहे कभी आधा घंटा हो जाता है, एक घंटा हो जाता है, गाड़ी वाला नहीं आता। अच्छा जी भाई, अच्छा तू मेरे को कंपनी की एक अच्छाई बता दे, तूने कंपनी की बुराई तो बता दी, एक तो अच्छाई होगी कुछ तेरी कंपनी में। अच्छा ये है कि जितना भी मेन्यू सारा इधर पूरा, क्या बात कर रहा है, क्या पूरा लेके खाना तक, क्या बात कर रहा है, किसने रंजीत साहब गए थे क्या वहाँ पे भी? तू मस्त हो जा, अब तू घर पे आया ना अपने आराम से रहे, आराम से घर वालों के साथ इंजॉय कर, और बस 12 महीने निकाल ऐसे 8 महीने निकाल, और भाई बस मैं सच बोलूँ ना, तेरी लाइफ का सबसे बर्बाद जिस दिन तू सऊदी आएगा, सही में जैसे तेरी 1 लाख सैलरी होगी पर बर्बाद है तू, तू 50,000 भी नहीं सेव कर पाएगा पता है, इतने खर्चे हैं क्या वहाँ पे, दुनिया भर के खर्चे भाई। ये तू जो बता रहा है टैक्स रूक कुवैत में है नहीं अभी तक तो फिलहाल, हाँ लेकिन कुवैत में भी टैक्स रूक हो जाएगा फिर तो भाई बंदा कुछ बचा ही नहीं पाएगा सच में। और स्टेट में हाँ यहाँ का वीज़ा बहुत महंगा हो गया सऊदी का पता है, और 7-8 हज़ार 8-9 हज़ार रुपये में लास्ट टू लास्ट लास्ट बता रहा हूँ 10 हज़ार रुपये में इंसान कुवैत में आराम से पेट भर के खाना खाएगा, रोज चिकन भी खाए तो, लेकिन तू कह रहा है 20-25 हज़ार रुपये वहाँ का खाने का खर्चा है जबकि तू घर में बनाएगा है, बताओ यार 20 नहीं 15 मान ले भाई, 15,000 तू खर्च मतलब 750 तेरा, अगर तू अच्छे से खाना खाएगा ना टेंशन फ्री होके तो 750 ओनली 750 रियाल महीने का, हाँ 15,000 यानी 15,000 बताओ बहुत महंगा है भाई, जिस बंदे की 40,000 सैलरी 25,000 तो इंडिया में कमा रहा तो वही सही है फिर तो। खाना ये सुन ये तो हो गया खाना, खाने का तेरा 750 और ऊपर से तेरा क्या बोलते हैं वाईफाई का डिपेंड करेगा तेरे रूम पे कितने लोग है उस हिसाब से, अगर तू सिम कार्ड लेगा महीने का रिचार्ज करेगा जितना फूड अलाउंस मिलता है 300 रियाल उतना तो तेरे को सिम ही मिलेगी पर मंथ रिचार्ज की 300 रियाल। इतनी महंगी है 300 रियाल बोले तो करते ना महीने का मतलब 300 रियाल बोले तो 600 रुपए 6,000 रुपए का सिम,
ओ भाई साहब यार, कुवैत में तो मेरे हिसाब से लास्ट हमने 8 KD मिली थी, 8 दुनी 1600-1700 रुपये की लास्ट, 2000 रुपये यहाँ महीने। तो हम वो करते ना, क्या बोलते हैं, हमने वाईफाई रखा है रूम पे, तो हाँ जितने बंदे होते हैं उस हिसाब से कभी 45 पड़ता, कभी 30 पड़ता। रुपये है। और लाइफ पता कैसी है, हाँ कुवैत में था मैं तो, तेने मेरे फेसबुक इंस्टा पे फोटो देखे होंगे, बस हाँ अब तू डालता ही नहीं है बिल्कुल। समझ ले अब। जब भी मैं कहूँ तो अब सोशल एक्टिविटी तो रहता ही नहीं क्योंकि इंटरनेट ही नहीं है तुम्हारे पास। हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, तो ये वीडियो देखने के बाद देखो, मैं अपना ओपिनियन तो यही बोलूँगा कि देखो, कंट्री को हम दोष नहीं दे सकते, डिपेंड्स करता है कंपनी में किस टाइप का मैनेजमेंट आपका काम करता है। अच्छा मैनेजमेंट हो तो आपको कंपनी भी अच्छी लगेगी, तो जैसा कि मेरे दोस्त के साथ मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो भाई उसको कंपनी बेकार लग रही है, तो हम पूरे देश को नहीं बोल सकते हैं कि भैया सऊदी बेकार है, ठीक है। तो अपना अपना ओपिनियन है, तो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट दिस। अगर अच्छी लगी हो, कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, एंड डू फॉलो मेरे इंस्टाग्राम। विश यू वेरी वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। आज के लिए इतना, टेक केयर, जय हिंद।